तो नमस्कार, मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं झारखंड के योजना के बारे में। और इससे पढ़ाने से पहले बता दें कि हम हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं मैथ एंड रीजनिंग का, जिसमें आपका झारखंड दरोगा से लेकर झारखंड सचिवालय, झारखंड पुलिस या SSC GD NTPC ग्रुप डी टोटल कुछ की तैयारी कराया जाता है। तो यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। और सर फ्रेंड, बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है। यानी देखिए, मेरा पढ़ाने का आइडिया है कि हम आपसे ज़्यादातर प्रैक्टिस करवाते हैं, बोर्ड पर कम बताते हैं। मतलब एक या दो क्वेश्चन हम बोर्ड पर बताए, आपको समझ में नहीं आया फिर बताए, उसके बाद डायरेक्ट मिटा देते हैं, बोलते ठीक है समझ में आ गया बना के दिखाओ। यानी मेहनत कराने में हम एक कसर भी नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम आते हैं आज योजना का क्वेश्चन जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो टोटल टोटल हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं योजना का। टोटल इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर क्वेश्चन बोला है आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला का, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका 23 सितंबर 2018। कब? 23 सितंबर 2018। चलिए हम आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरा भारत में लॉन्च की गई। इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए, इसका जो आंसर होगा आपका तो ये नंबर यानी रांची होगा। क्या हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपया तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, बताइए। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप लोग सब जानते होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा बी नंबर यानी 5 लाख रुपया। कितना? तो 5 लाख रुपया। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवार को लाभ दिया जाएगा, बताइए। देखिए आयुष्मान भारत योजना रांची में लॉन्च किया गया, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। इसके तहत 5 लाख रुपया दिया गया और ये सबसे ज़्यादा झारखंड में इम्पोर्टेंट इस कारण है क्योंकि इसको रांची में लॉन्च किया गया। हाँ हाँ, तो फ्रेंड बताइए आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा आपका 57 लाख। कितना? तो 57 लाख परिवारों को। कितना? 57 लाख परिवारों को दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग पंचवा नंबर क्वेश्चन में। और पंचवा नंबर बोला है संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए योजना से झारखंड में एक ना एक सवाल आते ही रहता है हर एग्जाम में, तो बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो डी नंबर हो जाएगा पंचमा का। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा आपका पंचमा का आंसर यानी 11 अक्टूबर 2014। कब? 11 अक्टूबर 2014। चलिए फ्रेंड आगे आते हैं हम छठा नंबर। संसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी, बताइए। बताइए किनके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी। छठा का क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो जय प्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जय प्रकाश नारायण, है ना, जय प्रकाश नारायण। चलिए आते हैं हम लोग संतवा नंबर में। और संतवा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद को प्रतिवर्ष कितने गांव को गोद लेनी होती है, बताइए। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद को प्रतिवर्ष कितने गांवों को गोद लेना होता है, बताइए आप लोग। इसका जो संतमा का जो आंसर हो जाएगा आपका तो संतमा का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा आनी एक एक। क्या हो जाएगा? तो एक।
चलिए तो हम लोग देखिए संसद जो आदर्श ग्राम योजना है वो जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन पर मतलब ई लॉन्च मतलब किया गया, उसके शुरुआत किया गया। और सेकेंड इसका जो मतलब शुरुआत हुआ 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ 11 अक्टूबर 2014 को। और इसमें जो वहाँ सब मतलब संसद है वो एक गांव गोद में ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग नौवां नंबर क्वेश्चन में आपका, नहीं आते हैं हम लोग आठवां नंबर में, है ना। अभी हम पढ़े सातवां नंबर, अब आते हैं हम लोग आठवां नंबर में। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, आठवां नंबर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए, ये आप लोग बता सकते हैं। स्वस्थ भारत योजना, देखिए स्वस्थ भारत योजना हल्का हिट दे दे तो आपका गांधी जयंती मनाया जाता है उसी समय लॉन्च किया गया था, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014। चलिए आते हैं हम लोग अगला नौवां नंबर में, स्वस्थ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वस्थ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नौवां का, तो नौवां का सी नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य रखा गया था, है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यानी दसवां नंबर में, दसवां नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दसवां का, तो दसवां का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यानी 28 अगस्त 2018, क्या हो जाएगा 28 अगस्त 2018। चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर में, 11 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किस से संबंधित है बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का आप लोग दिमाग लगा सकते हैं हल्का सा, जनधन के कारण ही आपको नया नया अकाउंट खोला जा रहा था, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि रोजगार तो होगा ही नहीं, स्वास्थ्य बीमा होगा ही नहीं, संपूर्ण टीकाकरण होगा ही नहीं, तो क्या होगा, वित्तीय होगा, वित्तीय, तो वित्तीय समवेशन हो गया आपका ए नंबर आंसर हो गया, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 12 नंबर में, 12 नंबर बोला है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक खाता धारक के कितने रुपया दुर्घटना बीमा का प्रावधान है बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 का, तो 12 का हो जाएगा 1 लाख रुपया, कितना, तो 1 लाख रुपया। चलिए आते हैं हम लोग 13 नंबर में, और 13 नंबर क्वेश्चन बोला है बेटी बचाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का, तो 13 का बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। देखिए झारखंड में पुराना भी पूछता है कि कब प्रारंभ हुआ था, इसी कारण हम झारखंड का जो पुराना भी उठा के आपको हम पूछ रहे हैं, है ना। 22 जनवरी 2015, कब, 22 जनवरी 2015 को। चलिए आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में, और 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है आप लोग बताइए 14 नंबर का। और फ्रेंड इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप वीडियो पाना चाहते हैं झारखंड का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टोटल 14 के 14 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें भी आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हमको आंसर बताइएगा, है ना। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, बाबूगांव चौक है, वही श्री राम पैलेस होटल के जस्ट अपोजिट, वहाँ किसी भी दुकान वाला पूछिएगा श्री राम पैलेस होटल किधर है, तो डायरेक्ट वो आपको इशारा कर देगा, उसका जस्ट अपोजिट मेरा बोर्ड दिख जाएगा। इसके अलावा आप गूगल में भी सुमन सर हजारीबाग या सुमन क्लासेस हजारीबाग भी सर्च मारिएगा तो लोकेशन आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड पढ़ाते बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, मेहनत कराने में आपको हम एक कसर भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला था बेटी
पंजाब बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 14 का, तो 14 का हो जाएगा आपका ये आपका लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा के शिक्षा में भी सुधार, ये दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, ई दोनों, ये भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात सुधार और शिक्षा में सुधार। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने का। इसी प्रकार अगला वीडियो भी आपको एक ना एक मिलते रहेगा। अब हम योजना से संबंधित डाले हैं, अब कुछ और डालेंगे, और इसी प्रकार हर चैप्टर का आपको एक ना एक क्वेश्चन हम देते रहेंगे। जतना भी जो हम क्वेश्चन आपको देते हैं, मनीष रंजन बुक से देते हैं, मनीष रंजन या कभी उड़ान से देते हैं, मतलब सारा बुक को मिक्स करके हम आपको क्वेश्चन देते रहते हैं। तो फ्रेंड धन्यवाद।